नेताजी मुलायम सिंह यादव आज 81 साल के हो चुके हैं। नेताजी के जन्मदिन को जहां एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो वहीं सीएम योगी ने भी मुलायम सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव ने गुरुवार को कहा था कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि इन दिनों शिवपाल यादव के एक बयान से यूपी की सियासत में सुगबुगाहट का दौर चल रहा है। सवाल उठने लगा है कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव से पीएसपीएल और एसपी में गठबंधन होगा। गुरुवार को उन्नाव के नवाबगंज पहुंचे शिवपाल यादव ने एसपी से गठबंधन को लेकर साफ संकेत दिए। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, एकता दिवस के रूप में मनाएगी पीएसपीएल नेताजी के जन्मदिन को, तो क्या ये एकता दिवस जो दूरियां हैं चाचा भतीजे के बीच में उन्हें एक कर पाने में कामयाब रहेगा? देखिए अपर्णा, ये माना जा रहा है कि आज मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा सियासी संदेश निकल सकता है इस यादव परिवार के लिए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले सैफई में जिस तरीके से शिवपाल यादव ने कहा था कि अब चूंकि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनको हाथ बढ़ाना चाहिए गठबंधन के लिए। हालांकि अगर हम जन्मदिन की बात करें तो चूंकि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दोनों दफ्तरों के पर आज जश्न का आयोजन किया गया है, और चूंकि खुद शिवपाल यादव आज सैफई में मौजूद रहेंगे और हर साल की तरह आज भी वो वहाँ पर दंगल के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। लेकिन अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर आज तमाम जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होंगे। माना जा रहा है खुद मुलायम सिंह यादव यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि कल रात में ही मुलायम सिंह यादव दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव रहेंगे, तमाम जो इनके पार्टी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, तो यहां पर जश्न की तैयारी की गई है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में अगर प्रसपा दफ्तर की बात करें तो वहां भी आज केक काटकर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसमें देखने वाली बात यह होगी कि आज जब मुलायम सिंह यादव यहां समाजवादी पार्टी दफ्तर से अगर कोई भाषण देते हैं, कोई बयान देते हैं, तो किस तरीके का उसमें संदेश छिपा होगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में चाचा भतीजा यानी कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि जो सियासी समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं और जिस तरीके से शिवपाल यादव की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं, तो उसको लेकर कह सकते हैं कि एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि इस वक्त एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि तमाम बैनर पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं और जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में पढ़ना कि चूंकि ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर है और चूंकि सुबह का वक्त है, लेकिन माना जा रहा है कि 10 बजे के बाद यहां पर जन्मदिन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता होंगे, पार्टी के नेता होंगे, जो इनके जिलाध्यक्ष होंगे, वो यहां पर इकट्ठा होंगे और धूमधाम से मुलायम सिंह यादव का यहां पर जन्मदिन मनाया जाएगा। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये माना जा रहा है कि आज जैसा कि शिवपाल यादव ने पहले ही कहा था कि एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन ये भी संभावना जताई जा रही है कि शिवपाल यादव हो सकता है कि यहाँ पर आ सकते हैं लखनऊ में जन्मदिन मनाने। हालांकि अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि वो सैफई में ही रुककर वहाँ पर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से एक बार कह सकते हैं कि चर्चा तेज होती है पड़ना दिख रही है समाजवादी पार्टी और प्रसपा के बीच में, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, तो वैसे में माना जा रहा है कि आज के दिन कुछ न कुछ हो सकता है कि कुछ निकलकर सामने आए।